नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इनफोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DVR एनीवेयर की हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में लगाना बताएंगे। डाटे को फास्टली ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमने ढूंढे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में क्या क्या किन किन बातों पर हम आज बात करेंगे। तो तीन ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात है भाई, जो DVR एनीवेयर की हार्ड डिस्क है उसे कॉपी करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात आती है भी, अगर हम कॉपी कर लेते हैं तो उसको लगाना कैसे है, उसे कैसे कॉपी करना है और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, ये सब आज इस वीडियो में बताएंगे। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है, जो हम कॉपी करेंगे उनको जो है इकट्ठे हम जो है मल्टीपल टाइम्स कैसे प्ले कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से जो है हम प्ले कर सकते हैं, लगभग पूरे दिन की रिकॉर्डिंग जो है आधे घंटे में हम देख सकते हैं, मतलब समझ लो भी इस तरह की जो है मतलब प्लेबैक जो है हम बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बता दें आपको भी आखिर हमें डाटा कॉपी क्यों करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जैसे जो है पूरी हार्ड डिस्क का डाटा हमें कॉपी करना पड़ता है, तो बहुत सारे अगर मान लो कैमरे लगा के रखे हैं तो और उनको देखने में बारी बारी देखने में या फिर इकट्ठे देखने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो DVR पे बैठा नहीं जा सकता। तो हम किसी कंप्यूटर वगैरह पे या किसी पोर्टेबल हार्ड डिस्क में उसे ट्रांसफ़र करके जो है आराम से देख सकते हैं, या किसी को अगर देना है या क्लोन करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो भाई इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात आती है भी करना कैसे है, तो हम बताएंगे आपको, पूरा प्रैक्टिकल देंगे भी किस तरह से जो है कॉपी करते हैं और किस तरह से हार्ड डिस्क लगाने पर जो है ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करके बताएंगे, वो लिंक कहाँ है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ बताएंगे और ये सब चीज़ें हैं। और तीसरी जो बात है वो चीज़ मैं आपको बता दूँ भी, जिसमें जो है एक प्लेयर है जिसमें हम जो है फाइल को जो है प्ले करेंगे और उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बन जाते हैं, बहुत सारे मतलब जो है बॉक्सेस बन जाते हैं, जैसे हमारे चैनल होते हैं ना, जैसे 16 चैनल का 32 चैनल का, उतने बॉक्सेस उसमें बन सकते हैं और एक ही जो है कैमरे की जो है मल्टीपल टाइम्स जो है हम उसकी क्लिप देख सकते हैं, जिससे जो है हम पूरे दिन की रिकॉर्डिंग जो है, जैसे मान लो 24 अगर हम क्लिप कर देते हैं, 24 हम बॉक्स बना देते हैं तो 24 घंटे की रिकॉर्डिंग हम एक घंटे में देख लेंगे, अगर हम 2x करेंगे तो यानी कि आधे घंटे में हम पूरे 24 घंटे की रिकॉर्डिंग कैमरे की देख सकते हैं, तो इस तरह से एडवांटेज मिलता है इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं आपको किस तरह से जो है हमने ये सब कुछ किया और किन किन बातों का ध्यान रखा और कैसे ये सब कुछ करना है। जर्नल कॉपी एक सॉफ्टवेयर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क कॉपी, इसे हमें जो है यहाँ पे ओपन किया और सिंपल इसे इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, वो हमने यस किया और अपने आप ये ओपन हो गया, यानी कि एक तरह से पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। हार्ड डिस्क हमने इसमें लगाई है और सबसे पहले बात ध्यान रखे भी, जब हार्ड डिस्क लगाते हैं तो डिवाइस मैनेजर में आ गई, डिस्क मैनेजर में नहीं जाना है, इंस्टॉलाइज नहीं करनी है, कुछ भी ऑप्शन जो है DVR में कंप्यूटर में कुछ भी ऑप्शन जो है क्लिक नहीं करनी हार्ड डिस्क को इंस्टॉलाइज करने की, नहीं तो डाटा सारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने डिस्क सेलेक्ट की, डेट सेलेक्ट की और प्रॉपरली जो है सारी फाइलों को एक साथ सेलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे जाके सेलेक्ट करके जो है जितने आपको फाइलें सेलेक्ट करनी है, जितने कैमरे की करनी है, सब इकट्ठे करके हम कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद एक कन्वर्ट टूल, एक धोवा के टूल बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हम इसकी भी जो है लगभग इसमें सेटिंग कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम 10 जो कॉपीज़ हैं जो हमने कॉपी की होगी उनको जो है कन्वर्ट करेगा और बहुत फास्ट ये काम करता है, इकट्ठे 10-10 फाइलों को कॉपी करता है। और इस तरह से देखिए बहुत सारी फाइलें जो है लगातार अभी भी कॉपी हो जा रही हैं और हमने जो है देखो इस तरह से मल्टीपल फोल्डर बना के अलग अलग कैमरे की पूरी तरह से रिकॉर्डिंग कॉपी की। इस तरह से आप भी जो है कोई हार्ड डिस्क को फटाफट जो है कॉपी करके और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा भी किस तरह से हमने जो है हार्ड डिस्क को कॉपी किया, डाटा ट्रांसफ़र किया और प्ले किया और बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप्स। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है, आपको मालूम है CCTV और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं, अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।